में जो खेला जाएगा, और शानदार मैदान है, ग्रासी ग्राउंड, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, खूबसूरत वादियों के बीचकार जो एक अच्छा खेल स्टेडियम वाला जीव गांधी खेल स्टेडियम, और सीबीडी भेलापुर में कुछ दिन पहले बिग बैश लीग इसी धरती पर आयोजित की गई और बड़ा टूर्नामेंट खेला गया, और उसके बाद आज बाबा साहेब अंबेडकर टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट हम बोल सकते हैं इसे, और देखेंगे मैच प्ले किया जाए, जल्द से जल्द मैच प्ले किया जाए, और एक्स्ट्रा प्लेयर इलेवंथ प्लेयर कम ऑन प्लीज स्कोरबोर्ड, इलेवंथ प्लेयर कम ऑन स्कोरबोर्ड प्लीज, इलेवंथ प्लेयर आएगा स्कोरबोर्ड पे, 12 प्लेयर जो रहेगा स्कोरबोर्ड के, बेनती है हमारी। और नितेश भोयर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैच की शुरुआत की जाए यहां पे, 12 प्लेयर प्लीज कम ऑन द स्टेज सेटिंग द स्कोरबोर्ड, 12 प्लेयर लाओ, पहली बॉल पे अल्टी पल्टी खेल दिया और बड़ा विकेट मिलेगा यहाँ पे, बड़ा विकेट पहली ही बॉल पे, बड़ा विकेट यहाँ पे, एक झटका लगता हुआ पहली ही बॉल पे, बाकी कहते पहली टूटे हैं मेनू रोण का चजना, पहली बॉल पर जो विकेट आई है कल्पेश जी बिना खाता खोले अपने, और जो वापस जाते हुए ढगड़ की तरफ, नेक्स्ट बल्लेबाज हमजा, जल्द से बोल सकते हैं बिना खेले हुए वापस जो डाग आउट में जाना पड़ेगा, एक बॉल खेल के कोई डाग आउट में वापस जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट बल्लेबाज हमजा आएंगे क्रीज पर, और बहुत अच्छा मैच जो खेला जाएगा यहाँ पे, पहले ही बॉल पे एक बड़ी सफलता बोल सकते हैं, पहले ही बॉल पे एक बड़ी सफलता, और अगली बॉल डालने के लिए बॉलर द रेडी, संकेत पाटिल एक अच्छी बॉल का प्रयत्न करेंगे यहां पे, और जो खिलाड़ी अभी बॉलिंग कर रहा है महाराष्ट्र का, बहुत ही जाना माना खिलाड़ी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, और बहुत बड़ा नाम बोल सकते हैं महाराष्ट्र में, और नेक्स्ट बॉल डालने के लिए फिर द रेडी, और एक अच्छी बाल, बहुत अच्छी बाल यहाँ पे संकेत पाटिल, एक अच्छी बाल डालने का प्रयत्न, और एक अच्छी बाल सिद्ध यहाँ पे, और नेक्स्ट बाल बल्लेबाज को जो माइंड सेट करना होगा यहाँ पे, एक बड़ी हिट नहीं यहाँ पे दिमाग, और खेला गया शॉट अल्टी पल्टी, हमजा है जी, हमजा है, और चार रन तो हमजा को मिलेंगे जरूर, इस वक्त जो रिवर्स का ट्राई किया और बिल्कुल जो संपर्क है बिल्कुल अच्छा हुआ है, चार जो रन है इस वक्त स्कोरबोर्ड पर जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो स्कोर है वो चार रन इस वक्त का स्कोर, हमजा के बल्ले से चार रन है, लेकिन और बोल सकते हैं भी एक दमदार हिट जो अल्टी पल्टी खेला, और अगली बॉल डालने के लिए पाटिल सा फिर जो रेडी है ग्राउंड में मैदान में, संकेत पाटिल एक बड़ी बाल यहां पे करनी होगी एक और सफलता के लिए, और खेला शॉट, आओ अल्टी पल्टी फिर से कमाल शॉट कह सकते हैं, बहुत माइंड सेट के साथ खेला शॉट, और यहां पे चार रन मिलेंगे, दो बाउंड्रीज लगातार बैक टू बैक माइंड सेट के साथ खेला शॉट, और दो बाउंड्रीज यहां पे आ चुके हैं, और नेक्स्ट बॉल डालने के लिए पाटिल फिर रेडी हैं, और संकी पाटिल जी फिर बॉल डालने के लिए जो रेडी है इस वक्त, हमजा चढ़ती जवानी है चढ़ता और खून कह सकते हैं हम, एक
नया जंग टैलेंट जो आपके सामने है, महाराष्ट्र के जाने माने खिलाड़ी हैं, लेकिन पाटिल की बात कीजिए, जे खारगढ़ से बिलोंग करते हैं और पूरे महाराष्ट्र में खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी, फिर बाल जो डालने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत बड़ा धन्यवाद फिर करेंगे समाधान जी का, वो भी खेल रहे हैं इस मैच में परी 11 और एक साइड उस्ताद हो, उस्ताद स्पोर्ट्स हो, उस्ताद स्पोर्ट्स हो, एक तरफ और परी 11 एक साथ, जो पहला मैच यहां पे खेला जा रहा है दोनों टीमें इस और वर्ट. एक बड़े शॉट की ट्राई पर हल्का जा कट खेला और एक स्कोर जुड़ते हुआ और हल्की सी चोट महसूस किया यहां पे खिलाड़ी ने। ग्राउंड में पानी का प्रबंध किया जाए, हमारी बेनती है ग्राउंड में पानी का प्रबंध किया जाए। जी बिल्कुल, खिलाड़ी ठीक है, फिर वापसी करेंगे मैदान पर। और इस वक्त का जो बड़ा मैच खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान, संचित पाटिल जी जो ओवर डालते हैं और इस वक्त की जो बड़ा अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है, उस्ताद 11 परी 11 के साथ एक बड़ा मैच हो, बड़ा अच्छा दिन निकला है और बड़ा अच्छा मैदान जो बिल्कुल सज कर दिया सीबीडी और चार चार ओवर का मुकाबला जो खेला जा रहा है, जहाँ पे चार चार ओवर का मुकाबला जो यहाँ पे खेला जा रहा है और 24 चेंडू होंगे और पिंटू अन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी सोच है आपकी और दिल से धन्यवाद बोलते हैं और आप बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और जिन्होंने इस टूर्नामेंट को भी आयोजित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू अन्ना जी और बहुत बड़ी सोच है पिंटू अन्ना जी। बिल्कुल सच्ची बात है, एक तो मानव दूसरा महामानव, महामानव उसको बोलते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है, एक तो मानव है जो दुनिया में आता है लेकिन महामानव वो है जो बहुत अच्छा काम करता है, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी सोच पर जो अच्छा पहरा दिया जा रहा है और उनके कदमों पे चला जा रहा है, जितने झंडे लगे हुए हर झंडे पे जय भीम हो, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत और बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा संदेश और मैदान में एक बड़ा मैच आफ्टर वन ओवर 11 स्कोर हो गए यहाँ पे, आफ्टर वन ओवर 11 स्कोर, 3 ओवर पहली इनिंग जो बाकी होंगे, बोल सकते हैं 18 चेंडू जो बाकी होंगे खेलने के लिए और 18 चेंडू में एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा जीतने के लिए, उस्ताद स्पोर्ट्स एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा जीतने के लिए, एक अच्छी पारी का प्रयत्न करना पड़ेगा यहाँ पे, हर बाल में चौका छक्का लगाना पड़ेगा, एक ओवर में कम से कम 3 बड़ी हिट चाहिए, अगर मैच को जीतना है तो एक ओवर में 3 बड़ी हिट चाहिए और नेक्स्ट बॉलर जो है यहाँ पे वैभव, नेक्स्ट बॉलर जो वैभव रहेगा मैदान में और आफ्टर वन ओवर 11 स्कोर यहाँ पे हो चुके हैं और सेकेंड ओवर की जो शुरुआत जो हो रही है मैदान में और वैभव इस वक्त मैदान पर जो बाल करने के लिए दूसरा ओवर लेके आया है, सामने हमजा, हमजा और रमेश की जोड़ी जो इस वक्त मैदान पर मौजूद है, लेकिन बाल जो डलने जा रही है इस वक्त
हमजा हल्के हाथों से खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। हमजा भी हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है। और एक बड़ी पारी का यहाँ पे प्रयत्न है और चार स्कोर फिर से जोड़ दिया अपनी टीम के लिए। भी मैं हूं ना 17-18 साल की उम्र है इस वक्त इस खिलाड़ी की, जो न्यू टैलेंट जंग टैलेंट हम बोल सकते हैं। मैदान पर सभी पे भारी पड़ रहा है, एक बंदा 11 पर भारी पड़ रहा है, बोल सकते हैं अभी इसको भेजना, बाहर भेजना, इसको आउट करना है तो एक बड़ी बॉल चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी बॉल माइंड सेट के साथ करनी पड़ेगी और एक टेक्निकल बॉल हम कह सकते हैं भी, टेक्निकल बॉल यहाँ पे एक बड़ी बॉल तो चाहिए। अगर इसका विकेट हासिल करना है तो एक बड़ी बॉल तो यहाँ पे चाहिए। और खेला शॉट, ए था। तो तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। झुकेगा नहीं, हाँ मैं झुकेगा नहीं, वो बात होगी भी उस्ताद हो भी। अंब अंब हुंदा है, केला केला हुंदा है, कद्दू कद्दू हुंदा है, करेला करेला हुंदा है, भीड़ भीड़ हुंदी है, मेला मेला हुंदा, कामा कामा हुंदा, बेला बेला हुंदा है, पैसा पैसा हुंदा है, तेला तेला हुंदा है, बस बस हुंदी है, ठेला ठेला हुंदा है, रामू रामू हुंदा है, जैला जैला हुंदा है, उस्ताद उस्ताद हुंदा, चेला चेला ही हुंदा है, उस्ताद उस्ताद होता है, चेला चेला होता है। यहाँ पे मैंने बोला था एक टेक्निकल बॉल चाहिए, इसका विकेट हासिल करना है तो एक टेक्निकल बॉल और एक अच्छा बॉल, एक अच्छे माइंड सेट के साथ एक अच्छा बॉल किया और बड़ी सफलता। लेकिन जितनी भी बॉलें खेली हैं हमजा ने अच्छी खेली, एक बार हमजा के लिए जोर से ताली लगाओ, बहुत जोरदार ताली है हमजा के लिए। 4 ओवर में 24 चिंडू में इतना अच्छा प्रदर्शन करना इस खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है, जो चढ़ती उम्र का है और जे जंग टैलेंट तो। लेकिन बोल सकते हैं अगर 7 बॉल भी खेले तो अच्छा प्रदर्शन है तो बड़ा खिलाड़ी बोल सकते हैं। न्यू बैट्समैन अख्तू आ गया इस वक्त मैदान पर, अख्तू जो आएगा जी राइट हैंड बैट्समैन अख्तू इस वक्त मैदान पर 18। जब 18 की बात करते ना विराट कोहली, बिल्कुल उनकी बात जो याद आ जाती है, वी जो भी अपने अपने जो भी रिकॉर्ड तोड़ने रिकॉर्ड तोड़ो, कोई भी ट्रैफिक रूल मत तोड़ो, जो तोड़ना तो रिकॉर्ड तोड़ो, बने तो ऐसा बनो खुद ही रिकॉर्ड बनाओ, खुद ही रिकॉर्ड तोड़ो, ऐसे बनो ना फिर बात बनती है। और अच्छी बॉल, अच्छी डिलीवरी बोल सकते हैं यहाँ पे, वापसी वापसी बिल्कुल विकेट और जो टेक्निकल बॉल यहाँ पे, और दो बड़ी सफलता कदम चूमते हुए। और विनती है जी जो हरी पट्टी पे चार हमारे बहुत ही सत्कारयोग भाई लोग हैं, और बेनती है जी आप नीचे आ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हरी पट्टी पे जो चार भाई लोग बैठे हुए हैं, बेनती है जी हमारी जो बेनती है ऑर्गेनाइजर भाइयों की तरफ से, बेनती है भी नीचे आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अच्छी बात है, पहली 2 बॉल रन आए कोई शक नहीं, पर उसके बाद जो बॉल डाला वो बोल सकते हैं एकदम बढ़िया वाला बॉल बोल सकते हैं, और बढ़िया वाला बॉल है। लेकिन बॉल आ गया मैदान पर, लेकिन जो हैट्रिक बॉल होगी इस बॉल पर विकेट आ गई तो तीसरी विकेट लगातार आ जाएगी। ये हैट्रिक बॉल होगी, यहाँ पे बॉलर यहाँ पे बहुत दिमाग ला रहा है, ये विकेट भी मिलना चाहिए यहाँ पे। बड़ा शॉट, बड़ा विकेट मिलेगा, जोरदार तालियां, बड़ा शॉट जरूर खेला, उतना बड़ा ही विकेट मिला यहाँ पे। और एक अच्छा बॉलर बोल सकते हैं वैभव, दम रखते हैं चलती हुई वैभव, और कमाल की बॉल बजी, टेक्निकल बॉलर इससे बोल सकते हैं। एक बार वैभव के लिए जोरदार तालियां हो जाए, अच्छी बॉल हैट्रिक है और बहुत अच्छी बॉल है वैभव की यहाँ पे। बाकी जो वैभव बॉल डाल रहा है, अब मुंबई में बोल रहे हैं लेकिन जब पंजाब में बोलते हैं ना, बोलते हैं अभी विकटों की मशीन, जो बॉल डाल रही है विकटों की मशीन हो,
हमारे पंजाब में बोलते हैं जो विकेटों की मशीन है जो बाल डाल रही है। वैभव तीन विकेट लगातार लेकर एक ओवर में, और वैभव को एक पेसर बॉलर भी बोल सकते हैं, जैसे बाल डाल रहे हैं ना, एक अच्छा बॉलर यहाँ पे साबित हो चुका है, कोई शक नहीं, कोई गहराई नहीं, एक अच्छा बॉलर जो साबित हो चुका है यहाँ पे। और अगली बॉल पे एक बड़ा विकेट, पर एक अच्छी बॉल है, डॉट बॉल के साथ एक अच्छे ओवर के साथ इस ओवर की ओवर समाप्त, एक डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त आफ्टर टू ओवर्स 21 आफ्टर टू ओवर्स 21 आफ्टर टू ओवर्स 21 बहुत कम रन है यहाँ पे। अगर जीतना होगा तो मैंने पहले बोला 24 चेंडू में एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा, कम से कम 16 तो बनाने पड़ेंगे, कम से कम 60 स्कोर तो बनाने पड़ेंगे। बाकी फिर जाकर बात जो बनेगी, सुनील रसन जी, पिंटू अन्ना जी बहुत खुश हैं, पिंटू अन्ना जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके भाई जो हैं वो इसी मैच में खेल रहे हैं, हमारे बहुत ही सत्कार जो भाई है हमारे समाधान जी, उनकी जो परी 11 टीम है वो वापसी करती इस वक्त मैदान पर वो नजर आ रही है। लेकिन अगला ओवर डालने के लिए जिसने आज बल्लेबाजी में पहले कमाल की, लेकिन अब जो बाल है उनके पाले में दी गए और अगला ओवर डालने के लिए खेल मैदान में, नेक्स्ट ओवर मैदान में डालने के लिए बॉलर ने प्लीज। बिल्कुल जी, पहले 40 प्लस में जो खेला है उसमें मैन ऑफ की मैच रहे जो समर्थन जी, बाल डालने के लिए फिर मैदान में, लेकिन और एक अच्छी बाल समर्थ यहां पे, एक अच्छी बाल तीसरे ओवर की पहली बाल एक अच्छी बाल साबित हुई, और पांच बाल पांच चेंडू जो बाकी होंगे इसी ओवर के, कम से कम तीन बड़ा हिट तो जाइए यहां पे, पांच बाल में तीन बड़ा हिट चाहिए, पर बोल सकते हैं यहां पे वाइड बॉल का जो फैसला हो चुका है मैदान में, और एक एक्स्ट्रा स्कोर जो जुड़ चुका है, और देखेंगे 11 बॉल्स जो बाकी होंगे, 11 चंडू, बड़ा हिट चाहिए जीतने के लिए, बड़ा टारगेट सेट करना होगा, अल्टी पल्टी का आओ खेलने का प्रयत्न किया पर नाकामयाब, एक अच्छे शॉट का प्रयत्न किया पर नाकामयाब, असफलता मिलती हुई, और अगली बॉल डालने के लिए फिर समर्थ, और खेला गया शॉट, और खिलाड़ी के कदमों में बाल, एक स्कोर यहां पे, एक स्कोर ही मिलेगा, एक से सिंगल से डबल से बात नहीं बनेगी, जो जीतना है तो एक बड़ा हिट तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉलर आपके साथ वो समझौता नहीं करेगा, बॉलर आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा आपके साथ, फिरकी घुमा के, अगर बाल अच्छी लगी समर्थ की तो तालियां जोरदार, अगर बाल अच्छी लगी तो तालियां जोरदार, कमाल कमाल का बाल है, हर एक बाल पे एक अच्छा माइंड सेट है, हर एक बाल पे आओ एक और अच्छी बाल हो। लेकिन जस भाई मैं बोलने जा रहा हूं, जे परी 11 है उस तरफ उस्ताद 11 है, उस्ताद वाला काम है वो समर्थन जी कर रहे हैं, काम जो उस्तादों वाला है वो समर्थन जी कर रहे हैं, और एक तजुर्बा मैदान पर फिर से जोरदार साबित हुआ, जोर से ताली लगाई है, जोर से और जोरदार तालियां हैं, और बोल सकते हैं कि समर्थ की उंगलियों में जादू है, बोल सकते हैं समर्थ की, और इस ओवर से सिर्फ दो रन आया, एक बार जोरदार ताली लगाई 21 और दो जोरदार तालियां 23 रन, बोल सकते हैं इसे एक जादूगर बॉलर भी बोल सकते हैं हम, जैसे बाल को घुमाते हैं ना तो एक जादूगर बॉलर भी हम इसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बॉल है अब तक की, और इस बॉलर को कमेटी की तरफ से महामानव प्रतिष्ठान की तरफ से 500 रुपया जो इनाम की तरफ से दिया जाएगा, और समर्थन के लिए 500 रुपया महामानव प्रतिष्ठान जो कमेटी है हमारे ऑर्गेनाइजर्स भाई हैं उनकी तरफ से 500 रुपया इस अच्छे प्रदर्शन के चलते खुश दिया जाएगा, अच्छा प्रदर्शन रहा खुश होकर 500 दिया जाएगा, और खेला शॉट यहाँ पे वाइड बॉल आएगी जे शेष चिंडू अभी बाकी है, और शेष चिंडू में चार हिट तो चाहिए, बॉलर नेम क्या है बताइए प्लीज,
लाव मुन्ना बाल डालेगा यहाँ पे मुन्ना, और एक अच्छी बाल, यहाँ पे एक रन ही मिलेगा। बाकी एक रन मिलेगा, लगे रहो मुन्ना भाई ऐसे ही लगे रहो, मुन्ना भाई ऐसे ही लगे रहो। नरेंद्र भाई एक से तो बात नहीं बनेगी, हर बाल पे एक से तो बात नहीं बनेगी, सिक्का तो चाहिए, बड़ा हिट तो चाहिए जीतने के लिए, और रेगुलरली कंटिन्यू बड़ा हिट, दो से तीन बड़ा हिट चाहिए, और तभी मैदान में उतरने के लिए स्कोर काफी होगा, मैदान में उतरने के लिए स्कोर काफी होगा। और स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बात की जाए तो 50 से ऊपर चाहिए कम से कम, फिर जाकर जो फाइट होगी, लेकिन उसके नीचे तो फिर जैसे पहला मैच 57 से 58 का टारगेट पहले 3 ओवर में चेंज हो गया, लेकिन जैसा ग्राउंड वैसे खिलाड़ी, और सामने देखेंगे अनमोल, अनमोल और मुन्ना, मुन्ना भाई फिर से अच्छी बाल, और एक अच्छी बाल। जब तक स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा टोटल नहीं लगेगा तो बात नहीं बनेगी, मैदान में उतरने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक एक बड़ा टोटल नहीं लगेगा। और कुछ चेंडू जो बाकी रहेंगे यहाँ पे, और रहते हुए चेंडू में हिट तो चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत कम हिट आई है, हम्स ने जो किया वो कोई कोई कर सकता है, 18 साल की उम्र में जो किया वो कोई कोई कर सकता है, पर यहाँ पे फिर एक बड़ी बाल, और एक और ताली, जोरदार जोरदार ताली जो मुन्ना के लिए लगाई जाए। मुन्ना पहले भी 500 का बड़ा सम्मान किया गया है। नरेंद्र भाई बोल सकते हैं कि इसकी भी उंगलियों में जादू है, जैसे बाल करता है फिरकी घुमाता है, इसकी भी उंगलियों में जादू बोल सकते हैं हम, हाँ बोल सकते हैं, उंगलियों में बहुत बड़ा जादू है। और मुन्ना भाई यहाँ पे मुन्ना भाई एक अच्छी बाल, बड़ी सफलता, कदम चूमते हुए यहाँ पे एक अच्छी बाल, बड़ी सफलता। और नेक्स्ट बल्लेबाज जो रहेगा मैदान में, अरफांत, अरफात नेक्स्ट बल्लेबाज, अरफात रहेगा जो मैदान में, और दो चेंडू यहां पे बाकी रहेंगे, दो चेंडू यहां पे बाकी रहेंगे, दो चेंडू में दो बड़ा हिट तो चाहिए डेफिनेटली, इस बाल पे तो हिट चाहिए, पर मुन्ना जी बाल डाल रहे हैं, उंगलियों में जादू है मुन्ना के, उंगलियों में जादू है मुन्ना के, और कोई मौका नहीं यहां पे दे रहे एक बड़े हिट का, कोई मौका नहीं। और लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन होगा स्ट्राइक पे, अरफात, अरफात जी दो बड़ा हिट जो चाहिए, दो चेंडू दो हिट तो चाहिए जीतने के लिए, बड़ा टोटल लगाना होगा तो हिट चाहिए। आओ खेला गया ट्राई ट्राई ट्राई, और मैदान में रहेगा सिंगल, सिंगल रहेगा यहां पे, कोई मौका नहीं दिया जा रहा यहां पे बल्लेबाज को एक बड़ा हिट खेलने के लिए, कोई मौका नहीं दिया जा रहा, एक एक बाल माइंडसेट से टेक्निकल बाल हम बोल सकते हैं यहां पे, और यहां पे और एक बड़ी सफलता, मुन्ना, मुन्ना भाई झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं, और इसी के साथ एक बड़े विकेट के साथ पारी समाप्त, इसी ओवर में 4 रन और 2 बड़ा विकेट मिला, और मुन्ना के लिए तालियां जोरदार, मुन्ना के लिए तालियां जोरदार, मुन्ना के लिए, और 27 यहाँ पे बने, और 28 का 27 यहाँ पे बने, और 28 का जो टारगेट टोटल 28 का टारगेट जो यहाँ पे सेट होगा, और उस्ताद लेमन ने जो परी लेमन को एक टारगेट सेट किया है और वो 28 करेगा, और समय व्यस्त ना किया जाए, जल्दी के साथ दूसरी इनिंग की शुरुआत जो की जाएगी, और नेक्स्ट मैच जो रहेगा टॉस करवाने के लिए बोल दिया जाए, और मुन्ना समर्थ और मुन्ना के लिए 500 का बड़ा इनाम महामानव प्रतिष्ठान की तरफ से, महामानव प्रतिष्ठान की तरफ से 500 का बड़ा इनाम, अच्छी बॉल डाली, जादूगर बॉलर बोल सकते हैं इनको, अच्छी बॉल डाली तो इनाम दिया जाएगा
5500, समर्थ और मुन्ना भाई को 5500, जोरदार तालियां। कैमरा फोकस किया जाए यहाँ पे, कैमरा फोकस किया जाए यहाँ पे, महामानव प्रतिष्ठान की तरफ से 5500 का जड़ा इनाम दिया जा रहा है। तालियां जोरदार, तालियां जोरदार यहाँ पे, और बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन समर्थ एंड मुन्ना भाई। मुन्ना भाई आप भी आइए, जादूगर आपकी उंगलियों में जादू है, डेफिनेटली बोल सकते हैं आपकी उंगलियों में जादू है, बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बाल। और 500 रुपया जो मुन्ना भाई को भी दिया जाएगा महामानव प्रतिष्ठान की तरफ से। बिल्कुल मुन्ना भाई हम दुआ करते हैं आप ऐसे ही खेलो और खूब अपना नाम रोशन करो, बहुत बढ़िया। और जल्द से जल्द सेकंड इनकी जो शुरुआत जो की जाए मैदान में। चैंप 11 पनवेल और भूमिका 11, मैं बेनती करूंगा जी नेक्स्ट टीम जो है चैंप 11 पनवेल और भूमिका 11 हो। भई वाह, बाहू भाजी भी आ गए साढ़े, बहुत ही प्यारे वीर ने, उन्होंने भी जिया आखते हैं चैंप 11 पनवेल, और मैं बेनती हूँ भूमिका 11 नेक्स्ट टीम टॉस के लिए आ जा जी। हेलो, उधर हमारे भाई निलेश परदेसी और भाऊ जी रमन प्रीत सिंह भाऊ घुमान साहब हमारे बीच आए हैं, उनको भी हम जो नक्कीच पाहुण्यांची विशेष उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ही जी संकल्पना आपण पाहिली आणि त्या संकल्पनेमध्ये खरं तर बेंगलोर ही टीम जी खेल करताना आपल्याला पाहायला मिळाली त्या संघाचे प्रशिक्षक अर्थातच निलेश परदेसी सर यांचं शुभ आगमन आपल्याला पाहायला मिळते, त्यांचं आपण वेलकम करणार आहोत। आणि याच दरम्यान या मॅचमध्ये खरं तर अप्रतिम शफल होऊन हा बॉल खरं तर ड्राईव्ह करायचा होतो, पहिल्या बॉलमध्ये खरं तर लेग बाईन सुरुवात करतोय। करण आणि सूरज असे दोन धडाकेबाज आणि खरं तर हाय रेटेड टेनिस बॉल क्रिकेटर्स जिथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत त्यांची गुणवत्ता ते सादर करत असताना भाऊंचा सन्मान आपण करतोय आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून भाऊंचं आपण विशेष योगदान सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय। लेदर बॉल क्रिकेटचे अप्रतिम खेळाडू आणि कांगा लिंगमध्ये खरं तर 100 धावा शतकी खेळी करणारे आज ते विशेष आपल्याला उपस्थित पाहायला मिळत आहेत, त्यांचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया। त्यानंतर आपण निलेश परदेशी सरांचा आपण हा सन्मान इथे व्यासपीठावर करतोय। आय एस पी एलमध्ये बँगलोर टीम आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्या संघाचे प्रशिक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावर आपण महामानव चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। आमच्या समवेत विजय म्हात्रे सुद्धा मात्र जुळले गेले, विजय म्हात्रे यांना आम्ही इन्व्हाइट करू की आपण मायक्रोफोनचा थोडा ताबा घ्यावा, पाहुण्यांचा सन्मान आपण या व्यासपीठावर जरूर करतोय। अर्ध विकेट सूरज पाटीलसाठी, हा बॉल समोर होता परंतु हाफ बॉल असल्या कारणानं मात्र ताकद तितकी वापरता आली नाही आहे। जरूर 2 धावा कंप्लीट झाल्या, 2 ने 19 धाव संख्या वाढेल, पोहोचेल, पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळतीये ती 9 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। पहिली जोडी ओपनिंग पेअर मैदानामध्ये पार्टनरशिप बिल्ड होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते।
धावसंख्येचा पाठलाग इथे सुरू झालाय. दोन्ही संघ तुल्यबल आपल्याला पाहायला मिळते आहेत आणि दोन्ही संघांमध्ये ह्या चांगला संघर्ष या मॅचमध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. पहिले षटक प्रगतीपथावर आहे. ओ खोल्या टप्प्याचा हा बॉल ड्रिल केला मिनी हेलिकॉप्टरचा स्टाईलनं इम्प्रोवाइज केलाय. मिळतील धावा चार. लॉंगॉप एक्स्ट्रा कव्हर रिझन क्लिअर करतोय. सूरज पाटीलची ताकद, सूरज पाटीलची नजाकत आपल्याला पाहायला मिळतीय. एकटा संघर्ष देतोय. धावसंख्या झाली आहे ती 4-13 या आकड्यावर. 1-3-4-none. हो याही वेळेला आपण पाहतोय मिस्टामिंग स्ट्रोक आहे. बॉल फरार झाला. हर्षल मडविला चुकवलंय आणि ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन डाउक डीप काऊ कॉर्नर रिजनला मिळतो अजून एक 4 धावा. 6-2-4-4 आक्रमण. पहिलं षटक संपन्न झालं आणि अमरेशवर चढवलेला हा हल्ला. धावसंख्या बिनबाद 17-17. अनदर बॉल, अनदर लेफ्ट हँडेड बॉल. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण फुल केलाय. पॉवरफुल स्ट्रायकर ऑफ द बॅट. करण च्या बॅटमधनं येतोय. पुन्हा एकदा स्टँड अँड डिलिव्हर. अप्रतिम ताकद, टायमिंग आणि 6 धावा मिळतील. एकूण धावसंख्येला पोहोचवलंय तब्बल 23 या आकड्यावर. 23 आता जिंकण्यासाठी फक्त इन मेन सिंगल डिजिट 5 धावांची गरज. आणि मॅच इथं फिनिश झाली आहे. वेल प्लेड बॅटिंग टीम आपल्याला पाहायला मिळतीये. ती परी 11 सीबीडी. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन, समाधान अँड अ स्क्वॉड अँड द मॅन ऑफ द मॅच आमचे विघ्नेश मडवी आम्हाला अपडेट करतायत. दुसरं षटक हाताळलं. वैभव या मॅचचा हिरो आपल्याला पाहायला मिळाला. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळत असताना फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि या स्पर्धेमध्ये 3 विकेट्स म्हणजे विकेट हॅट्रिक संपादित केली. अर्थातच 10 धावा त्याच्या करता त्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला आणि वैभव ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. यांना विनंती करू की आपण मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक वितरित करायचं. आम्ही जरूर इन्व्हाइट करतोय. अप्रतिम दर्जेदार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. वैभव या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. नेक्स्ट मॅचमध्ये मला वाटतंय थॉमस डायस सुद्धा इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतील.